ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बगलामुखी यंत्र के बारे में। बगलामुखी यंत्र की क्या शक्ति है और इसके क्या लाभ हैं और किस नामों से बगलामुखी यंत्र को कहा जाता है। देखिए, बगला 10 महाविद्याओं में से एक है और इसकी उपासना से शत्रु का नाश होता है। शत्रुओं की जीवा वाणी व वचनों का स्तंभन करने हेतु इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, इससे बढ़कर कोई यंत्र नहीं है। इस यंत्र के मध्य बिंदु पर बगलामुखी देवी का आह्वान और ध्यान करना पड़ता है। इसे पीताम्बरी विद्या भी कहते हैं क्योंकि इसकी उपासना में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली हल्दी की माला और केसर के खीर का भोग लगता है। इस यंत्र में बिंदु, त्रिकोण, षटकोण, वृत्त, अष्टदल, वृत्त षोडश दल और भूपुर की रचना की गई है। नुकसान पहुंचाने वाले दुष्ट शत्रु की जवा हाथ से खिंचती हुई बगुला देवी का ध्यान करते हुए शत्रु के सर्वनाश की कल्पना की जाती है। इस यंत्र के विशेष प्रयोग से प्रेत बाधा और यक्षिणी बाधा का भी नाश होता है। बगलामुखी यंत्र की उपासना से शत्रु का नाश होता है। स्तंभन करने हेतु इससे बढ़कर कोई यंत्र नहीं है। प्रीतवाधा निवारक यंत्र, इस यंत्र के विशेष प्रयोग से प्रीतवाधा और यक्षिणी वाधा का भी नाश होता है। महामृत्युंजय, इस यंत्र के उपयोग से अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में मैं बताऊंगा, पर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।